आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये उन चार दोस्तों की कहानी है जो लोग पहाड़ियों में घूमने के लिए जाया करते थे। वो अक्सर हर जगह घूमने जाते थे, कभी पहाड़ियों में तो कभी जंगलों में। उन्हें कैंपिंग करना, घूमना फिरना बेहद पसंद था। इस बार वो लोग पहाड़ियों में घूमने गए थे। चारों दोस्त बहुत ही बहादुर और मजाकिया थे। उनमें से एक लड़की थी जो थोड़ी सीधी सादी थी। बाकी तीनों दोस्त बहुत ही मज़ेदार किस्म के थे। वो चारों आपस में बहुत हंसी मजाक किया करते थे। आपस में वो लोग पहाड़ों में जाकर एक दूसरे की फ़ोटो खींचते हैं, मज़े करते हैं। जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे रात में वो लोग गाने गा रहे थे, नाच रहे थे। और फिर वो टाइम आता है जब अपने अपने कैंप में बैठकर चारों दोस्त एक दूसरे को कहानियाँ सुनाने लगे। वो लोग एक दूसरे को अपनी अपनी डरावनी कहानियाँ सुना रहे थे। तीन दोस्तों ने अपनी अपनी डरावनी कहानियाँ सुना दी। अब मीना की बारी आती है। मीना थोड़ी शांत स्वभाव की लड़की थी। उसे डरावनी कहानियाँ पसंद नहीं थी, वो थोड़ा जल्दी घबरा जाती थी। तीनों दोस्तों की डरावनी कहानी सुनकर वो बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी और अब वो कोई कहानी नहीं सुनाना चाहती थी। मीना उन तीनों की बातों पर ध्यान ना देकर अपने कैंप में सोने चले जाती है। तीनों दोस्त आपस में खूब सारी बातें करके थक हार के अपने अपने कैंप में सोने चले जाते हैं। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे होंगे कि एक जोरदार आवाज़ के साथ मीना की आंख खुल जाती है। वो आवाज़ किसी भयानक जानवर के चिल्लाने की लग रही थी। मीना घबरा जाती है। मीना को अपने कैंप के आसपास कोई परछाई नज़र आती है। मीना के पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। उसके हाथ पैर मानो कांपने लगे थे। लगातार तेज दहाड़ने की आवाज़ मीना के कानों में गूंज रही थी। मीना बेहद घबराई हुई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो कौन सा जानवर हो सकता है जो इतनी बुरी तरह से आवाज़ कर रहा है। मीना किसी तरह खुद को संभालती है और अपनी टॉर्च निकालकर सीधा अपने बगल वाले दोस्त विजय के पास जाती है। विजय के कैंप में घुसकर वो विजय को उठाती है और उससे बोलती है, विजय विजय मेरी बात सुनो, यहाँ आसपास कोई जंगली जानवर है, वो हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, कुछ करो वरना हम लोग सारे मारे जाएंगे। विजय मीना की बात सुनकर थोड़ा भौचक्का हो जाता है। वो उठकर बैठता है और मीना से कहता है, कहाँ कोई आवाज़ आ रही है, तुम फालतू में डर रही हो, अगर ज़्यादा डर लग रहा है तो यहीं सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मीना किसी तरह खुद को संभाल कर वहीं पर सोने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से वो खतरनाक आवाज़ मीना के कानों में उसके रोंगटे खड़े कर देती है। इस बार ये आवाज़ विजय ने भी सुनी थी। विजय और मीना दोनों को अभी लगने लगा था कि आसपास ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तभी सारे दोस्त आपस में मिलकर एक फैसला करते हैं। ये फैसला करते हैं कि दो लोग कैंप में ही रुकेंगे और बाकी के दो लोग भी पता करेंगे बाहर जाकर कि आखिर ऐसा कौन सा जानवर है जो इतनी बुरी तरह से आवाज़ निकाल रहा है, कि हम सबकी जान को कोई खतरा तो नहीं है। रमेश और आकाश बाहर देखने जाते हैं कि आखिर वो कौन सा जानवर है जो उन्हें इतना परेशान कर रहा है। विजय और मीना अपने कैंप में ही बैठकर उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। दोनों के मन में एक अजीब सा डर और खौफ बैठ गया था। वहीं रमेश और आकाश दोनों ही घबराए हुए थे। वो चारों अपनी अपनी टॉर्च से देखते हैं पर उन्हें कहीं कोई दिखाई नहीं देता। तभी दूर से आकाश को एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है। आकाश रमेश को इशारा करता है। वो परछाई अचानक से झाड़ियों के पीछे जाकर छिप जाती है। दोनों लोग उसे देखने लगते हैं। अचानक से झाड़ियों से कोई निकलता है। वो दोनों थोड़ा घबरा कर पीछे हटते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मामला शांत हो जाता है। उसके बाद फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं
और चलते चलते वो दोनों कब जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। दूसरी तरफ विजय और मीना बेहद घबराए हुए थे। उन्हें इस बात का भी पछतावा हो रहा था कि आखिर वो इन पहाड़ियों में घूमने आए ही क्यों, क्योंकि अब उन्हें अपने दो दोस्तों की जान को भी बचाना था। वो समझ चुके थे कि ज़रूर उनकी जान खतरे में है, इसलिए आकाश और रमेश अभी तक लौट कर नहीं आए। दोनों ने फैसला किया कि अब उन दोनों में से कोई एक ही जाएगा और जैसे ही कोई परेशानी लगेगी वैसे ही वापस आ जाएगा। मीना बेहद घबराई हुई थी, इसलिए विजय ही इन दोनों को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन वो भी लौट कर नहीं आता। अब सुबह के 4 बजने लगे, लेकिन ठंड के मौसम के कारण अभी भी सूरज नहीं निकला था और चारों ओर अंधेरा था। मीना घबराई हुई थी, पर वो अपने दोस्तों को ढूंढने निकली। मीना लोगों को ढूंढने के लिए पहाड़ी से उतरती है और जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है, जहां उसे एक एक करके रमेश, आकाश और विजय की लाश मिलती है। उस खौफनाक मंजर को देखकर मीना की बोलती बंद हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन वो रो नहीं पा रही थी। तभी एक भयानक आवाज़ उसे फिर से सुनाई देती है। मीना दहशत से कांप उठती है और समझ नहीं पा रही थी कि अब उसे कहाँ जाना चाहिए। वो उल्टी सीधी जगह भागने लगती है। भागते भागते वो पत्थर से टकराती है और गड्ढे में जा गिरती है। तभी उसे अपनी आंखों के सामने मौत नजर आती है। उसके सामने एक भयानक सा राक्षस खड़ा था। ना तो वो इंसान था, ना ही कोई जानवर। अपने सामने खौफनाक मंजर को देखकर मीना बेहद डर से कांपने लगती है। मीना खुद को बाहर निकालने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन सामने वो खौफनाक परछाई उसके लगातार करीब आती जा रही थी। वो बहुत ही मुश्किल से खुद को उसमें से निकालती है, लेकिन वो राक्षस मीना का पीछा करने लगा था। मीना को अब जल्दी भागने के सिवा और कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अब पीछे भी पलटकर नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि उस राक्षस को मीना देख भी नहीं जा रहा था। मीना भागती रहती है और भागती रहती है। वो राक्षस करीब आ चुका था। मीना पहाड़ी पर बने अपने कैंप की ओर बढ़ रही थी। भागते भागते वो गिरकर बेहोश हो जाती है। अब जब मीना की आंख खुलती है तब सुबह हो चुकी थी। उसके आसपास उस समय कोई मौजूद नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि वो बच गई या अभी भी उसकी जान को खतरा है। वो चुपचाप अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और वहां से चुपचाप निकल जाती है और अपनी गाड़ी तब तक नहीं रोकती जब तक कि वो घर नहीं पहुंच जाती। अभी भी वो सदमे में ही थी। उसके साथ जो कल रात हुआ कोई भयानक ख्वाब से कम नहीं था। उस पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन इस हकीकत में मीना ने अपने 3 दोस्तों को खो दिया। पुलिस को जो लाशें बरामद हुई थीं वो तीनों मीना के दोस्तों की ही थी। मीना को बाद में यह हकीकत पता चलती है कि उन पहाड़ों पर आज भी पुराने समय से लेकर एक राक्षस रहता है। लोग कहते हैं कि ना तो वो इंसान की तरह दिखता है और ना ही जानवर की तरह, लेकिन एक खौफनाक राक्षस आज भी वहाँ आने वाले बहुत से लोगों ने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। इस हादसे के बाद उन पहाड़ियों पर जाने के लिए पुलिस की तरफ से और सरकार की तरफ से रोक लगा दी जाती है, मगर मीना के 3 दोस्त उस रात कुर्बान हो चुके थे। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। राजस्थान वैसे भी भूत बंगलों और हवेलियों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ तो हर कदम पर एक खौफनाक साया मानो धूल की आंधी के रूप में आपका पीछा करता हुआ महसूस होता है। ऐसे ही एक साए से मेरे एक दोस्त का पाला पड़ गया। यहाँ जयपुर में एक हाईवे पर काफ़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, इस वजह से वहाँ से गुजरते वक्त लोगों को एक खटका सा लगा रहता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इस हाईवे पर रात में भूत पिशाच घूमते रहते हैं।
मेरे एक मित्र बलवंत रात को 12 बजे के करीब सिनेमा देखकर अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में ऑटो वाले से कहा, भाई साहब ये हाईवे का दूसरा सर्कल जहां आता है वहां पर उतार दोगे? ऑटो वाले ने अपनी बड़ी बड़ी और लाल आंखों से बलवंत को देखा और फिर बोला, देखो 200 लगेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा है भाई साहब, जान से ज़्यादा है क्या? इस वक्त मेरे सिवा वहाँ कोई नहीं जाएगा, देना है तो दो वरना निकलो। अच्छा ठीक है ले लेना, चलो। ऑटो गड़गड़ाहट करते हुए चला जा रहा था। बाहर हर चीज़ डरावनी लग रही थी। बलवंत ने सोचा, आज तो आ गया पर कभी इतनी लेट इधर नहीं आऊँगा। मन ही मन अपने डर को छुपाता हुआ बाहर देख रहा था। पेड़ पौधे सड़क अंधेरा साए साए करती हवाएं सब मिलकर कोई खौफनाक मंजर दिखा रहे थे। ऑटो वाला भी शायद डरा हुआ था इसलिए चुपचाप चले जा रहा था। इतना बड़ा शहर पर इस रोड पर तो मुश्किल से 2 या 3 गाड़ियां दिखाई दे रही थी। सड़क किनारे गौर से देखो तो अजीबोगरीब आकृतियां दिखाई देती, कोई भी इंसान नहीं दिखता। अचानक बलवंत ने कहा, ये क्या? सड़क से दूर एक कुआं है जहां शायद कोई दिखा। बलवंत ने कहा, भाई जरा धीरे चलाना। ऑटो की गति धीमी हो गई। ध्यान से देखा तो 3 छोटी छोटी लड़कियां सफेद चोगा पहने कुएं में देखकर हंस रही थी। मन बैठ गया, सांसें तेज हो गई। फिर देखा तो आसपास कोई नहीं है, केवल वो 3 छोटी छोटी लड़कियां कुएं में देखती फिर आसमान की ओर मुंह करके जोर जोर से हंसती हैं, फिर कुएं में देखती फिर आसमान की ओर मुंह करके जोर से हंसती। तभी बलवंत ने कहा, पका 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 भाई ऑटो पका। हड़बड़ाहट में ऑटो वाले ने ऑटो को भगाया, दिल थक से रह गया। वो क्या था? वो लड़कियां आधी रात में हाईवे पर क्या कर रही थी? वहाँ तो कोई घर भी नहीं है। नहीं ये कैसे हो सकता है? क्या वो डायन थी? नहीं ये नहीं हो सकता। क्या वो मुझे दिखी? खौफ के मारे मुंह गला सब सूख गया, हाथ पैर कांप रहे थे। ऑटो वाले से कुछ कहने लायक भी नहीं रहा। मन ही मन सोच रहा था, सब सही कहते हैं, इस रोड पर भूत प्रेत रहते ही हैं। तभी अचानक एक बच्ची ऑटो के सामने आई और ऑटो रुकवाने लगी। खुले बाल थे उसके और आंखों में सिर्फ काजल ही काजल दिखाई दे रहा था। तभी बलवंत ने कहा, मत रुकना भाई साहब मत रुकना। तभी ऑटो वाले ने कहा, अरे भैया इतनी छोटी सी बच्ची फंस गई होगी रात में, कहाँ जाएगी? ये कहकर उसने ऑटो रोक दिया। तभी वो बच्ची पास आई और बोली, मुझे आगे सर्कल तक जाना है। ऑटो वाले ने बैठो कहा। बलवंत का मन नहीं माना, वो उस बच्ची को डरते डरते गौर से देखने लगा। जैसे ही वो ऑटो में चढ़ने लगी बलवंत का कलेजा मुंह को आ गया। बाप रे इसके तो पांव उल्टे हैं। आवाज बैठ गई, गला चोक हो गया। वो बलवंत के बगल में ही बैठी थी। बलवंत ने उसकी ओर एक बार भी पलटकर नहीं देखा, बस चुपचाप अपनी सीट पर जमकर बैठ गया। पूरा शरीर जैसे का तैसा रह गया, जैसे किसी शेर को सामने देख लिया हो, जैसे किसी ने स्टैचू कह दिया हो। यहाँ तक कि सांस लेने की हलचल भी नहीं हो रही थी। उसे लगा, आज ये टायन या बच्ची जो भी है मुझे और इस ऑटो वाले को मारकर खा ही जाएगी, आज तो मरे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बच्ची चुपचाप अगले सर्कल पर उतर गई। जैसे ही वो ऑटो से उतरी बलवंत की जान में जान आई। बलवंत ने ऑटो वाले से कहा, अरे भाई साहब आज तो मरते मरते बचे। मैं कह रहा था ना मत रोको, वो बच्ची उसको तुमने ध्यान से नहीं देखा? उसके दोनों पांव उल्टे थे। ये सुनते ही ऑटो वाले ने अचानक ऑटो रोका। क्या? हाँ उसके पांव उल्टे थे मैंने देखा। ऑटो वाले ने हंसते हुए अपने दोनों पांव आगे बढ़ाया और कहा, कैसे ऐसे उल्टे थे क्या? तो दोस्तों
ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।